नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ के अथरौलिया संसदीय क्षेत्र में गोदलिए गांव लोहरा में जो ब्लॉक का सबसे बड़ी आबादी वाला गांव है, सांसद नीलम सोनकर द्वारा लोगों की सुविधाओं के लिए उच्च क्षमता वाली पानी की टंकी का निर्माण कराया गया था, जो अभी तक आधा अधूरा पड़ा है। गांव वालों का मानना है कि जब से इस गांव में पानी की टंकी का निर्माण हुआ है, आज तक किसी के घरों तक एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा है। पानी की टंकी केवल दिखाने के लिए लगी है तथा पाइपलाइन भी सबके घरों तक बिछाई गई है, लेकिन 2 साल हो गए, अभी तक किसी के घरों तक एक बूंद भी पानी नहीं पहुँचा। गाँव में लगी 100 पीस बनी पानी की टंकी लगने से जहाँ ग्रामवासियों में काफ़ी खुशी थी, वही अब सभी लोगों में सांसद के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त है। ग्रामवासियों का कहना है कि वैसे तो सांसद आदर्श गांव लोहरा का नाम लिया जाता है, लेकिन यहां के लोग सभी जरूरी सुविधाओं से वंचित हैं। बड़े बड़े वादे करने वाली सांसद जी का कभी दर्शन भी नहीं होता है, इस बात को लेकर गांव में काफ़ी नाराजगी है। मेरा नाम सुनील कुमार पांडे है। आप यह लोहरा निवासी हैं, आपके यहाँ सांसद निधि से एक टंकी बनी थी, गोद लिया गया था, सांसद जी बनाया था, वो अभी तक चालू नहीं हुई, उसके बारे में देखिए। सांसद आदर्श गांव लोहरा जो हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था उस समय, तो पहली बार हमारी लोकप्रिय सांसद महोदया श्रीमती नीलम सोनकर जी ने पहली बार ही जो है लोहरा गांव को गोद लिया, और पहला काम उनका था कि लोहरा गांव में पानी की टंकी के लिए पानी की टंकी बनी, और जब तक काम हो रहा था टंकी का, तब तक गाँव वालों को पानी मिल रहा था, और जब से उसका काम ख़त्म हो गया, हैंडओवर हो गया ग्राम सभा को, तब से आज तक वह गांव के किसी व्यक्ति को एक भी बूंद पानी नहीं मिल पा रहा है, जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी का हर घर नल से जल की परियोजना चालू की गई है। इसकी मैं मांग करता हूं प्रशासन से कि यह तत्काल जो है चालू किया जाए। अभी गन्ना मंत्री भी आए थे, स्थानीय लोगों द्वारा ज्ञापन में दिया गया था, उसके बारे में गन्ना मंत्री जी से मैं भी व्यक्तिगत तौर पर बगैर लिखित मैं भी बयान दिया था। मैं भी कहा था कि माननीय जी, हमारे सांसद महोदया के द्वारा वो बनाया गया है, उस टंकी को यथाशीघ्र चालू कर किया जाए। तो अभी तक पानी नहीं मिल रहा है क्षेत्रवासी को, पानी कहां? अभी पूरे ग्रामवासी को एक भी बूंद पानी नहीं मिल रहा है। कहां से लाते हैं क्षेत्र? अपने द्वारा लगाए गए हुए नल से ही जो लोग पानी पी रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि बरसात के पानी से दूषित जल हो गया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि वह पानी की टंकी जल्द से जल्द चालू की जाए। आपका कहने का मतलब है जब ग्राम सभा को हैंड ओवर हो गई, तब से ग्राम वालों को पानी नहीं मिला? जी, मेरी एक्सीएन साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं वो जो है जल निगम की जो है टंकी जो है, अब वो ग्राम सभा को हैंड ओवर